हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर क्वाइट वेल। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है शॉपिंग से, और यहाँ पे हम दुल्हन के लिए पायल लेने आए हैं। हमने बहुत सारी पायल देखी पर एक भी डिज़ाइन अच्छी ही नहीं लग रही थी, तो फाइनली हमने ये वाली सिलेक्ट की है। और आप बताना आपको कैसी लग रही है ये डिज़ाइन। दो पार्ट में है, मतलब हाफ में कुछ और डिज़ाइन है, हाफ में कुछ और। और हम सबको कुछ बारात के लिए आउटफिट लेना था, हम तीनों सिस्टर को। तो पूरी मार्केट छान मारी, पर जो मिला वो आपको बारात के दिन ही पता चलेगा जब हम पहनेंगे। और फिर कुछ इयर रिंग्स ली मैच करके हम सब ने। एंड अभी मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली कि हम शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, नथिंग। जैसे जैसे आप आगे वीडियो देखते जाएंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा कि ये सब क्यों है, किस लिए है। मेरे बालों की बहुत बुरी हालत हो रखी है, सो मैंने सोचा लगे हाथ थोड़ा सेट करवा लेती हूँ हल्का सा। इससे पहले मैंने 3 साल पहले जो है सेट करवाया था अप्पी की शादी में, एंड नाउ 3 साल बाद ओह माय गॉड। एंड मैंने आंटी से बोला कि मेरे पे जो अच्छा लगे वो कर दीजिए, सो उन्होंने बस आगे हल्का सा लॉक कट किया, एंड यू नो पीछे भी थोड़ा। जिसने भी अलेक्जेंडर पॉप की नॉवेल रेप ऑफ द लॉक पढ़ा होगा उनको पता होगा लॉक की मीनिंग। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड या रियल इंसिडेंट पे बेस्ड भी है। सो गाइज, फाइनली पैकिंग टाइम आ चुका है, और यू नो सबकी पैकिंग हो चुकी है, सिर्फ मैं एक लास्ट में बची हुई हूँ जो अभी कुछ भी नहीं पैक की हूँ। तो पहले मैं ये सारे सूट को प्रेस कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद बैग में, इस वाले बैग में सब अच्छे से सेट करके रखूँगी। और जो अभी हम मार्केट से लाए हैं उसमें बारात वाला सूट इसमें ऑलरेडी रख ली हूँ, वो आपको बारात के टाइम ही दिखने को मिलेगा। तो चलिए ज्वेलरी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, पूरा बॉक्स लेके बैठी हूँ, कौन वाले सूट पे कौन कौन सी ज्वेलरी सेट करूँ, इतनी कन्फ्यूज़न होती है। और ये सारी चीज़ें मैं मतलब ले जाने जितना भी निकाली हूँ ना, ये सब जो है मैं पैक करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई दिन मुझे वियर करना ही है, या फिर मतलब बारात में और रिसेप्शन में। सो अब मेकअप की बारी है। पता है यार, 6 लोगों के 6 बैग्स ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं, सो मैं सोच रही हूँ बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें लूँ, कुछ भी फालतू का नहीं लूँ, ताकि एक ही बैग में मेरा सब कुछ आ जाए। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है यार, कमेंट में बताना अगर ऐसा होता है। और हाँ यार, ये तो बताना भूल ही गई, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो को वॉच कर पाए। सो एंड हाँ, लाइक शेयर प्लीज प्लीज प्लीज। सो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ पैकिंग खत्म करने के बाद, सो बी कंटिन्यू एंड स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। सो या क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आगे वीडियो में, और पूरा व्लॉग आप देखेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सो या बी कंटिन्यू गाइस। I've been on the road, I've been doing shows, now we eating steak, remember sleeping on the floor, still a night to get. सो गाइज, फाइनली अब हम निकल रहे हैं, और आज होली का दिन है इसलिए हम सबको ऑटो बुक करके जाना पड़ रहा है। पहले से हमने ऑटो बुक किया था क्योंकि उसके अलावा होली के दिन कोई ऑप्शन ही नहीं था। फाइनली वेलकम टू माई आंट हाउस, और 1 घंटे में हम पहुंच गए थे। आंट मीन्स यू कैन से खाला मौसी जो भी आप कहते हो, और हमें नाश्ता वगैरह मिल चुका है, सो यू कैन सी दिस। हाँ गाइज, लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ के हाउस टूर की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड ये है मेरा आज का आउटफिट,
तो चाय पी करके ना मतलब इतना टाइम फील हो रहा था तो सुकून मिला थोड़ा पीने के बाद। और मेरी तरह कौन कौन टी एडिक्टेड है कमेंट बॉक्स में बताना। सो गाइस फाइनली 8 o'clock हो रहा है और अब बारी है हमारे डिनर की। और डिनर में हम ईट करने वाले हैं बिरयानी। यू कैन सी दिस गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम सब यहाँ आए क्यों हैं, तो रुको थोड़ा सबर करो, अभी पता चल ही जाएगा यार इतनी जल्दी किस बात की है। लुक एट हर, अस्का को भी बहुत भूख लगी थी बेचारी, तो अभी खा रही है वो भी। और अब मैं भी शुरू करती हूँ। सो सीइंग बिरयानी इज योर माउथ वाटरिंग कमेंट बिलो गाइस। सो या गाइस फाइनली अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोगों से कहीं ज़्यादा मैं एक्साइटेड और बेचैन हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सो मैं आई हूँ अपने कजिन ब्रदर की मैरिज अटेंड करने, और आज है रथ जगह। सो इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फाइनली वी हैव टेकन डिनर एंड यू कैन सी दिस की कितनी खतरनाक तरीके से ये सारे बच्चे जो है वो ऊपर से जंपिंग कर रहे हैं। बॉक्स रखा है बड़ा सा, और ये देखो जब इन लोगों को पता चला ना कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, और अभी देखो मतलब धमकाया थोड़ा सा कि अभी सबकी पिटाई होगी, दिखाऊंगी सबको कि देखो ये सारे ये लोग थे बच्चे, तो सब भागने लगे थे। उसके बाद मतलब इतनी भी डर नहीं है, फिर से वापस आ करके और जंपिंग करने लगे। कोई गिर जाए, कूद जाए, मतलब चोट लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और इसमें देखो अस्का को देखिए, मतलब किस तरह से वो भी लगी हुई है सबको देख करके। जैसे वो लोग कर रहे हैं उतना तो नहीं कर पा रही, ऊपर चढ़ नहीं पा रही है, बट थोड़ा थोड़ा जाके आगे से ही जंपिंग करके फिर वापस आ रही है। वाव गाइज, अभी हमें तो मेहंदी लगाना बाकी है, बट उससे पहले अभी खाला हम लोगों को ये दुल्हन का सारा सामान दिखा रही है जो कल जाने वाला है दुल्हन के लिए डाल में। यस सो ये है निकाह की चूड़ी और ये लहंगे पर की चूड़ी है, और वन बाय वन आप देखते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें। ये पूरी मेकअप किट है जिसमें सारे सामान हैं, मेकअप के कुछ हैं और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो मेकअप बॉक्स में क्या क्या होता है आई होप कि आपको पता ही होगा। एंड ये जो लहंगे का रेड कलर है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल वाला रेड है। तो गाइस आप वन बाय वन सारी चीजें देखिए, और इन सारी चीजों में से आपको कौन सा सामान सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हाँ प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज। सो या फाइनली ये तो सेट हो चुका है, और अब बारी है ज्वेलरी की। नाउ यू कैन सी दिस, खाला ने हमें फिर ये सारी ज्वेलरी दिखाई, और आप देख सकते हैं नेकलेस सेट कितना प्रिटी लग रहा है। इसका जो झुमका है मतलब झाला झाला झुमका पता नहीं क्या बोलते। सो गाइस मैक्सिमम सारे लोगों को मेहंदी लग चुकी है, एक्सेप्ट दो तीन लोग बचे होंगे या जो भी हों तीन चार लोग, और जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ जिसको अभी मेहंदी नहीं लगी है। तो चलिए कोई जुगाड़ बनाते हैं, और यहाँ पे मैं कोन लेकर के बैठी हुई हूँ मेहंदी की, तो कोई जुगाड़ बन जाए तो अच्छी बात है, फिर अपने से लगाएंगे और काम चलने भर का। एंड यू कैन सी दिस कि 7:12 हो चुका है, मीन्स आधी रात हो ही चुकी है, तो मेहंदी लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज यू कैन सी दिस, मैंने मतलब लगा लिया, जैसे जो बना उतना तो मुझे आता नहीं है, आप सबको पता है, तो थोड़ा बहुत काम चलने भर का एक हाथ में तो लगा लिया, बट ये राइट हैंड में तो मतलब इम्पॉसिबल है ना, कुछ से लगा नहीं सकते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है। और अब मैं चलती हूँ सोने। बारात और रिसेप्शन का व्लॉग जो है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और
आप उसे झेल नहीं पाएंगे. सो बी कंटिन्यू एंड या बी हेल्दी, बी सेफ. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. आई विल कम बैक सून विद माय नेक्स्ट वीडियो.